बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज एक ना छोटी सी नई प्लेलिस्ट बनाने के चक्कर में हूँ। मैंने कहा कि शुरू करते हैं, प्लेलिस्ट नहीं बनाते हैं कि अक्सर दोस्त मुझे कह देते हैं कि यार यूट्यूब पे आप वीडियोस तो चढ़ा रहे हो, अपलोड कर रहे हो अपने काम की, तो यूट्यूब पे काम कैसे करते हैं। भाई इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता कि इस पर काम कैसे करते हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं लाजमी बताना चाहूँगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कुछ वीडियोस बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो जो दोस्त इस पर भी काम करना चाहते हैं वो लाजमी वहाँ से कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। ये नहीं कि बहुत एक्सपर्टीज़ में बता दूंगा आपको इसके बारे में, लेकिन काफ़ी कुछ जो मैं जानता हूँ मैं वो ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहली तो बात ये कि आपको चैनल बनाना पड़ेगा। जीमेल की आईडी तकरीबन हर बंदा ही है जो यूज़ करता है, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं तो उनमें आपने जीमेल की आईडी जो मस्ट लगानी होती है। ठीक है, आपका प्ले स्टोर ही तब चलता है। अब क्या करना है, आप उस पर चैनल बनाएं। ठीक है, सिंपली यूट्यूब पे आएँ, वहाँ पे चैनल आपने अपना बना लेना। ठीक है ना, ये जब चैनल आपका बना होता है तो यहाँ पे आपका शो होता है चैनल, ये सामने मेरा चैनल खड़ा है, इसका चैनल आर्ट लगाया है, ये प्रोफाइल पिक्चर लगाई है। ठीक है, मेरे एनालिटिक्स वगैरह यहीं पर आ रहे हैं, ट्यूब बड़ी किया हुआ उसकी वजह से। ठीक है, बाकी ये इसका काम सिंपल ही है। पहले इसका और तरीक़ाकार था, अभी ये यूट्यूब स्टूडियो से उन्होंने निकाल दिया है, काफ़ी अर्से चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें आपका अर्निंग के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स इसकी होते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आपका यूआरएल भी सेट हो जाएगा जब आपका 1000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या चाहिए, 4000 वॉच आवर्स। ठीक है, विद इन अ वन ईयर, एक साल के टाइम पीरियड के अंदर आपका मजमुई जो देखी जाएंगी वीडियोज, सारी वीडियोज उनका मिला के जो टाइम होगा, वॉच टाइम होगा, वो 4000 घंटे यानी कि 2,40,000 मिनट होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत टफ है, लेकिन ये है कि अगर आप क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट है तो आपका कोई इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है। कई लोगों की ऐसी वीडियोस भी वायरल भी हो जाती हैं, कोई पता नहीं चलता, लोग रातों रात जो है उनकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है। ठीक है, बहुत से चैनल हैं मुख्तलिफ तरीके से चल रहा है, बहुत ज़्यादा चाय वाला एक चल रहा है, इस तरह के और काफ़ी हैं, अपना वो परदेसी भाई हैं वो बहुत चीज़ें बता रहे होते हैं। लेकिन अगर आप चैनल चलाना चाहें तो जो मेरा मशवरा है वो तो ये होगा, भाई क्वालिटी कंटेंट दें। ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। अगर आप मेहनत करते हैं ना, आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तो अल्लाह पाक भी उसकी मेहनत का आपको सिला लाजमी देता है। जल्दी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, मैं भी कोई यूट्यूब पर इतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने जो लोग सब्सक्राइब जिन्होंने किया वो देखते हैं, कभी कभार वीडियोज चढ़ाता हूँ, बाकी अपना काम वगैरह करते हैं। ठीक है, तो सिंपली से काम है, छोटा सा एक बता देता हूँ आपको इसका जो है कि वीडियो अपलोड कैसे करनी है। अपलोड करना सो सिंपल है, ये क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन खड़ा होता है, आप यूट्यूब चला के बैठे हैं या कहीं भी आपका ये ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, आप कोई फिल्म चला हुई, कुछ भी चला हुआ, आपकी आईडी लगी हुई है ना, यहाँ ये कैमरा सा बना होगा, प्लस का निशान है क्रिएट, लेकिन अगर आप स्टूडियो में हैं तो यहाँ पर क्रिएट लिखा होगा, अपलोड वीडियोस। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो फाइल्स टू अपलोड, आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मेरा दूसरा फोल्डर खुल जाता है तो वहाँ पे उठाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, पकड़ के यहाँ डाल देंगे, या सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट फाइल, आप फाइल जो है यहाँ पर डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियोज़ में से आप इसको सिलेक्ट करें, ओपन, ये आपकी फाइल जो है वीडियो अपलोड होनी शुरू होगी, ये नीचे से, ये अब वो भी बिल्कुल छोटी सी थी, वो तो 0% प्रोसेस्ड। ठीक है, प्रोसेस भी हो रही है, यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन देनी है, ये आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं खुद ही, यहाँ थंबनेल्स जो हैं खुद ही बना के बताएगा आपको, यहाँ तीन थंबनेल वो दे देगा कि इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये स्टूडियो खुद ही करके दे देगा। नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है कि प्लेलिस्ट में आपने कौन सी प्लेलिस्ट है जिसमें आपने करना है, नई बनानी है तो यहाँ न्यू प्लेलिस्ट उसमें आप ऐड कर दें। ठीक है, ये यस इट्स मेड फॉर किड्स, ऑडियंस कौन से, ये आपने काफ़ी ख्याल रखना है इन चीज़ों का भी, कि अब मैं जो बना रहा हूँ अगर मैं किड्स के लिए रखूँ तो मेरा मोनेटाइजेशन वाली उस टाइप पे नहीं जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन एडवांस्ड इसके अगर आपने करना है तो। ठीक है, ये मोर ऑप्शन है जहाँ पर आपको टैग्स लगाने का होता है, ये टैग्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप टैग्स लगा सकते हैं जो आप लगाना चाहें, मैंने ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट पे लगाए हैं वही चल रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज है उसको आप चेंज कर सकते हैं अगर करनी है तो, रिकॉर्डिंग डेट अगर आप डालना चाह रहे हैं वो डालें, वीडियो लोकेशन डालना चाह रहे हैं। ठीक है,
ये कैटेगरी कौन सी है, मैंने एजुकेशन रखी हुई है, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। देन इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ऐड एंड स्क्रीन, ठीक है। एंड स्क्रीन जो है वो आप अगर लगाना चाह रहे हैं, कि जैसे मेरे चैनल पे लगी है कि एक दो वीडियोस आ जाती हैं जब एंड होने वाला होता है, साथ में मेरा प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है भी, अगर सब्सक्राइब करना है तो। ऐड कार्ड्स, कार्ड्स होते हैं ऐड, 5 आप कर सकते हैं कार्ड्स, ठीक है, 5 कार्ड आप ऐड करेंगे वहाँ। बेशक प्ले लिस्ट लगा लें, बेशक अपनी वीडियो लगा लें, आपके पास वीडियो का ऑप्शन है, प्ले लिस्ट का है, चैनल का है, किसी और का चैनल लगा सकते हैं। टाइम सेट करें यहाँ पे किस जगह पे लगाना है, ठीक है, ये 26 सेकंड पर मैं कह रहा हूँ मैं वीडियो लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये वीडियो लगा दिया, ठीक हो गया, ये सेकंड मैंने यहाँ पे किया, ऐड कार्ड प्लस, ये मैंने प्लेलिस्ट निकाली, ये मैंने ऑनर वर्क ट्रेनिंग वाली लगा दी, ये थर्ड पे आ गया। इसी तरह से ये मैं करके सेव कर लूँगा, देन नेक्स्ट पे चला जाऊँगा, ठीक है। सेव और पब्लिश, आपने अगर इसको प्राइवेट रखना, प्राइवेट रखें, ठीक है, ओनली यू कैन, यू एंड पीपल यू चूज़ कैन वॉच योर वीडियो। सेकेंड वन है अनलिस्टेड, एनीवन विद द वीडियो लिंक कैन वॉच योर वीडियो, यानी पब्लिक नहीं होगी, जिसके पास लिंक होगा जस्ट वही देख सकता। अगर आप पब्लिक करते हैं, एवरीवन कैन वॉच योर वीडियो, ठीक हो गया। अगर आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं कि अभी आप एक ही टाइम में 5 वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं, तो आप एक वीडियो को उस वक्त अगर आप कर रहे हैं, दूसरी को आप शेड्यूल कर सकते हैं टाइम दे के, डेट दे के, अभी इस डेट को इस टाइम पर ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। सब करने के बाद शेड्यूल कर दें, या अगर आप उस वक्त उसको फ़ौरन करना चाह रहे हैं, सेवर पब्लिश पब्लिश, और यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे, आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल से प्रोसीजर है इसको वीडियोस अपलोड करने का और ये चीज़ सेट करने का, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ये भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। और दूसरा मैं ये करूँगा कि आप वीडियो में ना चैनल का डिफॉल्ट जो है, ये सेटिंग्स जो हैं वो कैसे सेट करते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह लाजमी एक वीडियो बनाऊँगा। ये ड्राफ्ट ही बनाया था तो इसको मैंने रखना नहीं है, डिलीट फॉर एवर, ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बनाया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये हमारी सारी वीडियोस खड़ी हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप भी अपना चैनल बेशक स्टार्ट करें, क्वालिटी कंटेंट दें, अच्छा कंटेंट दें, किसी फील्ड का दे दें, लाजमी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग का दे रहे हैं, अगर आपको इसका नहीं पता ना दें आप इसका, आपके पास जिस चीज़ की स्किल है, जिस चीज़ का पता है वो दें, फ़नी चैनल बना लें, कई चैनल चल रहे हैं, बेकार वाइंस थे वो कराची वाले वो चल रहे हैं, इस तरह का कोई कंटेंट बना लें, अपनी टीम बनाएं, वीडियोस जो हैं अच्छे अच्छे जो हैं वो बनाएं, अच्छे टॉपिक्स पर बनाएं, ठीक है, और उनको अपलोड करें। इंशाल्लाह अगर मेहनत करेंगे तो भाई फ़ायदा होगा, ठीक है। एडिटिंग करके अच्छी वीडियो बना के एडिट करके लगाएं, मैं कोई एडिट नहीं करता, सिर्फ वेबकैम लगाया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वो ऊपर मेरा लोगो लगा हुआ है वॉइस सर्विसेज़ का, नीचे वीडियो चल रही है, बस यही कुछ है, बाकी स्क्रीन रिकॉर्ड होती है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ वैसे ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यार इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि एडिटिंग करूं और बहुत काम, अगर मैं सिर्फ यूट्यूब कर रहा होता, यूट्यूबर होता सिर्फ मैं, तो मैं वो सब भी करता, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो अगर आप सिर्फ यही करना चाह रहे हैं तो ये भी अर्निंग का अच्छा वे है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर रखें, ये आपका अर्जेंट बेसिस पर आपको कमाई देने वाला काम नहीं है। ये कभी ना सोचना कि आपने आज चैनल बनाया तो 10 दिनों में आपको जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, वो नसीब पर किसी किसी का तुक्का लगता है कि चैनल बनाया फ़ौरन मोनेटाइज हो गया, वह वीडियो वायरल हो गई, एक आधी मोनेटाइज हो गया, पैसे आने शुरू हो गए, ठीक है, तो इस तरह नहीं होता, तो इसमें पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसमें टाइम लगता है, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन यह है कि काम चलता है, बहुत अच्छे चैनल्स भी चल रहे हैं, उनका काम भी चल रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा मेरी इस वीडियो में, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मेरी वीडियो के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।